वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा पूर्वक अपने काम करो। भजन करना है, जप करना है, कीर्तन करना है, पुस्तकों का पढ़ना है, ये भी बड़ी उसी उत्साह पूर्वक करो। इससे भी ज्यादा
व्यवहार में सबकी सेवा कैसे करें, एक एक भाई एक एक बहन विचार करे हमारे को ऐसे करना है। हमारे घर में जितने छोटे बड़े समान अवस्था वाले प्राणी है उनकी सेवा मेरे से बढ़ जाए, मेरे सिवा ये सब आराम से रहे सुख से रहे और सेवा मैं करूं, काम धंधा मैं करूं, परिश्रम मैं करूं। उस परिश्रम को ले तो परिश्रम में लोग परलोग दोनों सुधरे हैं, स्वास्थ्य भी सुधरता है। परिश्रम करने से मनुष्य बीमार नहीं होता। शहरों में जितने बीमार होते हैं इतने गांव में नहीं होते। गांव में जो खेती का काम करते हैं वे कम होते हैं बीमार, कम संख्या में उनके दीप्ति रहती है, अग्नि की खूब भूख लगे अच्छी तरह से, जंगली हवा अच्छी लगती है और भूख लगती है और परिश्रम करने से उनके पाचन अच्छा होता है तो वे बीमार नहीं होते। तो बीमारी भी दूर होती है और आलस भी दूर होता है काम धंधा करने से। प्रमाद आलस जो बांधने वाला है, प्रमाद आलस निद्रा भीष्टन समूल का बंधन होता है। प्रमाद आलस निद्रा से बंधन होता है। इनमें सुख बुद्धि लेकर इनका सेवन करने से वो तामस बंधन होगा, तामस अभोग की हमीचा का बंधन होता है तो वो बंधन छोड़ जाता है। कैसी बढ़िया बात है। बैरी कुन आदर्श ठग मारे ऐसा आया है संतों गुलामी कि संसार में बैरी कौन है। बैरी अपना आदर्श है, अभी नहीं फेर कर देंगे काम फेर करेंगे ऐसा नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल में होगा फिर करेगा कब। कल नहीं आज करना, आज भी अभी करना है उत्साह पूर्वक। उसके सामने काम धंधा ज्यादा नहीं रहता है। सामने आया काम किया तो काम धंधा करने से एक से तुम्हें प्रसन्नता होती है, तत्परता से काम करने और सिर पर ही चलने से उसे उत्साह होता है। एक बात याद आ गई, हम लोग जब पढ़ते थे उस विषय में एक अनुभव बात बता, अनुभव किया वो बात बता। पढ़ाई करते समय दो चार पांच दिन कुछ प्रमाद किया और पास सिर पर चढ़ गए, ठीक तरह से याद नहीं हुआ, उनका अध्ययन कुछ कमजोर रह गया तो पढ़ने का मन नहीं करता। अगर ही पढ़ने का मन नहीं और कभी कभी तो भाई क्या बतावे, आप लोग जानो पुस्तक को देखने का मन नहीं करता, रखो तो ही छिपा करके रखो सामने ना भी है, ऐसे हमारे बीच ही बात। आलस करने से पाठ न पढ़ने से और पाठ ठीक पढ़े तो इसका उत्साह आता है कि हम आप स्वयं पढ़ जाए। स्वयं पढ़ाते समय महाराज बताते तो पहले से कह देते महाराज जी ये बात ऐसे, मैं बड़े खुश हो गए, बड़े पसंद हो। तो पढ़ाई करते करते बुद्धि का ऐसा विकास होगा, मन आलस प्रमाद न करने देता, ठीक पढ़े रोजाना की पढ़े ठीक करे बड़े अच्छी तरह से, बड़ा उत्साह होगा, बड़ी उमंग आती। ऐसे कोई भी काम आप करो भाई बहनों ने ख्याल नहीं किया होगा, ख्याल के लिए जानते हैं, आप ठीक तरह उत्साह से अपने जिम्मेवारी का काम अच्छी तरह से करो, मन में बड़ा उत्साह रहता, बड़ी हिम्मत रहती है, कभी भी हार नहीं होती और काम करने का उत्साह होता है मन में, और विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, समाज का विकास होता है,
जहाँ अच्छे काम करने वाले आदमी रहे वो समाज बड़ा होगा। जिस समाज में संत महात्मा होंगे, खूब अच्छा काम करने वाले, भजन स्मरण जप ध्यान कीर्तन अपना काम ठीक तरह से करते हैं, वो समाज विकसित होगा, समाज में शांति होगा, उस समाज के दर्शन स्पर्श भाषण से लोगों का भला होगा, क्योंकि वे तत्पर से काम में लगे हैं। तो अपना अपना काम बड़े तेजी से कराता है। गीता ने तो साहब कहा, श्रेष्ठ कर्म जाता संसिद्धि में रह, मनुष्य अपने अपने कर्तव्य में ठीक तत्वता से लगा हुआ रहता है तो संसिद्धि मिल जाती है, सम्यक सिद्धि, जो होता है वो लोक की परलोक की परमात्मा को प्राप्त करेगी, संसिद्धि में लगती मारा। उसकी विधि बताई है कि जिससे संसार पैदा हुआ और यह संसार जिस परमात्मा से व्याप्त है, परिपूर्ण है, सब में परमात्मा है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सबका आदर सत्कार करना, किसी का तिरस्कार न हो, किसी का अपमान न हो, ऐसा भाव रखना, सम्मान आदि करते हुए ठीक तरह से काम करो, ऐसे काम करे तो उसकी उन्नति होगी ही। अपने कर्मों के द्वारा पूजन है, वो अपने पूजन करते हैं, ये काम करते हैं, ये तीन विभाग है इसके, एक काम धंधा करना है और एक पूजन करना है, एक काम कर देना है, एक उनका पूजन करना है। तो काम करना तो नौकरी कर देगा, परंतु पूजन करने वाले बड़े श्रेष्ठ आदमी होते हैं, काम धंधे को पूजा की सामग्री समझे। तो काम धंधा करना, सेवा करना और पूजन करना, इसकी निभाग। घर में जल भर दिया, झाड़ू लगा दिया, कपड़े धो दिए, काम कर दिया, ये काम है। तो काम तो नौकर भी कर देता है, पर सेवा एक और चीज है, सेवा उनको सुख पहुंचाना। इनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, एक काम धंधा पूरा कैसे हो जाए, खेती का काम करते हैं तो खेती का काम बाकी नहीं ठीक से हो जाए, वो काम होता है, घर का काम धंधा किया, पर उस काम में केवल काम में ही वृत्ति न रहे, वृत्ति रहे तो सबकी सेवा कैसे हो। तो सेवा रूप से कर्म करे, सेवा में उनको सुख पहुंचा, आराम पहुंचा, मैं एक परिश्रम करूं और दूसरों को आराम मिल जाए, सेवा मिल जाए, सजनों काम होता ही, नौकरी से काम करता है तो वही काम है, सेवा भाव से करता है तो काम होता ही है, परंतु भाव उसमें बदल गया तो भाव बदलने से बहुत विलक्षण लाभ होता है। बाजार में वस्तुओं के बिक्री करने पर नफा और नुकसान दोनों होता है, कब होता है कि भाव हाथ लग जाए, अच्छा भाव रहे, मानो सस्ते में आओ महंगा में बिके, ऐसा भाव रहे तो बहुत नफा हो जाता है, और भाव गिर जाता है, महंगी आई वस्तु और भाव गिर गया, सस्ती हो गई, घाटा लग गया। तो वो भाव तो बाजार के अधीन है, अपने व्यक्ति के अधीन नहीं है, और ये भाव व्यक्ति के अधीन है, हमें सेवा करना, इनको सुख पहुंचाना, इनको आराम पहुंचाना, किसने से इनको आराम मिले, ऐसे भाव से काम किया जाए, काम उतना ही है, ज्यादा उत्साह रहेगा, शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, सेवा करने में। सेवा से बढ़ करके है पूजा। पूजा में क्या होता है, जैसे भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं,
इस तरह से माता पिता बड़े गुरुजन समान अवस्था वाले छोटे बालक उनका काम करे, मन में पूजन भाव हो कि मैं सब भगवान है, ये भगवान के मंदिर है। जैसे मनुष्य तो दो थंबों का मंदिर है, कुत्ता कुत्ता गधा गाय भैंस आदि ये चार थंबों के मंदिर है। इन मंदिरों में ठाकुर जी विराजमान है। अब ठाकुर जी की पूजा कैसे हो, इनका आदर कैसे हो, इनको महत्व कैसे दिया जाए। मैंने देखी एक बात, चेला है ना उसको भी गुरु जी जी का लेकर बोलते हैं, ऐसे सुना जी कहकर बोलते आदर करते हैं। तो जो आदर भाव है पूजन भाव है, जैसे पुष्प चढ़ाकर पूजन भाव होता है, ऐसे हरेक काम के द्वारा उनकी पूजा की जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए। तो आराम पहुंचाना सेवा है और पूजन करना ये पूजा है, और काम धंधा कर देना ये काम है। तो केवल भाव से पर बढ़ता है, काम करना है तो भाव मात्र है, क्रिया करनी अच्छी बात है, उसमें भी बड़ा सहारा होता है, दूसरों को शांति मिलती है, आराम मिलता है। काम धंधा हम करें तुम आराम कर, तो काम धंधा से आराम करता है, अपने भाव सेवा का हो जाए। किनको आराम कैसे मिले, काम धंधा हुआ जाए थोड़ा ज्यादा कम हो जाए, सबको आराम कैसे मिले, पर इस समय वो मैं करूं, सब आराम करे, खूब मस्ती से रहे, आनंद से रहे, ऐसे आराम देने की वृत्ति से जो काम किया जाए वो सेवा हो जाती है। आराम में नहीं पूजन करे, पूजन ठाकुर जी की स्वरूप, सब में ठाकुर जी विराजमान है, इनका पूजन करना है, जैसे आरती करे, पुष्प चढ़ावे, चंदन चढ़ावे, इस तरह से काम धंधा यही पूजन। स्वकर्मणा तो मत हर्ष, अपने कर्मों के द्वारा पूजा करे। सज्जनों इसमें एक बात और बताना, जिससे मनुष्य ध्यान कम जाता है, हम शौच जावे पेशाब करें, चट्टी पेशाब, स्नान करें, कपड़ा धो, उसमें भी ये चाहिए कि भगवान का पूजन कर रहे हैं, ये भगवान का शरीर है, सबके मालिक परमात्मा है, सबके मालिक परमात्मा। तो परमात्मा मालिक हो तो उनकी वस्तु को ठीक तरह करना क्या उनकी सेवा नहीं है। घर में सब मकान मालिक के होते हैं, उसमें कोई चट्टी साफ कर रहा है तो क्या वो सेवा नहीं कर रहा है, सेवा नहीं पूजा कर रहा। ऐसे ही तत्व साथ फिरते, स्नान करते, कपड़ा धोते समय अपना स्वच्छ निर्मल काम करते हुए, कपड़ा निर्मल रखते हुए, जगह को साफ रखते हुए भाव हो जाए कि सबकी प्रसन्नता होगी, जगह जगह पर प्रसाद और तत्व किया जाए तो उसे ठीक होता है। अगर नहीं करना चाहिए वहां करते क्योंकि ध्यान नहीं होती, मन में दुख होता है, कहाँ ये गंदगी कर दी, बात नहीं है। तो भगवान करे और सेवा पूजा, पूजा की दृष्टि से किसी के मन में दुख न हो, उल्टा सुख हो, आराम हो, इस रीति से किया जाए। आप खुद अपने शरीर को भी नहलाओ तो पूजा की दृष्टि से भगवान का है, इस बात इसको साफ करना है, ठीक रखना है इसको, तो वो भी पुण्य हो जाए। देखो एक आदमी दान पुण्य करता है, भोजन देता है, कपड़े देता है, चल पाता है, आराम देता है, वो आराम देने वाला दूसरों को सुख पहुंचता है तो देखता है मैंने पुण्य किया, और घर वालों को अन्न देता है, वस्त्र देता है, आराम देता है, तो उस काम में ऐसा नहीं मालूम होता कि मैं कोई पुण्य कर रहा हूँ। पुण्य क्योंकि जिससे कोई स्वार्थ नहीं, हमारे कोई आगारी भी संभावना नहीं,
कि हमारे कुछ सहायता करें, इस बात की इनकी सेवा करें, ऐसा स्वार्थ का भाव रखता है ना, वो बदलना चाहता है। तो वो तो एक व्यापार करता है, व्यापार। जैसे हमने वस्तु दी, आपने रुपये दे दिए, तो ये तो वो व्यापार हुआ। इसलिए से पहले सेवा की है, अब सेवा करें तो बदला उतरा, और हम सेवा करें तो अगर ये सेवा करेंगे तो उस आशा से करते आप बदल लेने के लिए, ये सेवा नहीं है, काम धंधा हो जाएगा। और सेवा का अर्थ है इनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, दुख हम अच्छा हो जिसमें आराम इनको पहुंचे, ऐसा किया जाए तो सेवा हो जाती है। और वही अगर पूजा भाव से किया जाए, इनकी सेवा ही नहीं पूजन कैसे हो, साक्षात परमात्मा इनके भीतर विराजमान है। ये जगत है ना, सब जगह ईश्वर रूप है, भरो बुरो नहीं खून, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह परमात्मा का स्वरूप है। इसमें भला बुरा तो ये तो आसन में देखने में आता है, जैसे कपड़े पहने हुए के सफेद लाल है, ये जैसे ये जैसे ही तरह तरह के कपड़े है, तो भीतर में मनुष्य है, ऐसे बाहर से तरह काम सफेद आसन है, परंतु भीतर में परमात्मा है। तो उस परमात्मा की सेवा कैसे हो, और सेवा से उसकी पूजा कैसे हो, आदर कैसे हो, सत्कार कैसे हो, इसकी महिमा कैसे हो, ये भाव रख करके उनको सुख पहुंचाना है, ये पूजन करना है। लोग अपने कर्मों से पूजन करता है तो ये तब प्रकृति भूता नाम ये सर्विदम स्वकर्मणात्म ध्यर्ष्य, अपने कर्मों को द्वारा पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो। कितनी बढ़िया बात, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, लोगों में यश प्रतिष्ठा हो जाए, लोग कहें अच्छा आदमी है ये। बद्रीनाथ जाते हैं, पैदल जाते थे पहले, तो दिन भर चलते चलते हैरान हो जाते हैं, रात्रि में कहीं किसी छत्ती पर ठहरते हैं तो कहीं कहीं बैठते वही नींद आने लग जाती, भाग पूजा उसके सहारे बैठते हैं और बैठे बैठे नींद आ जाती, सब थकावट होती है। पर कई सज्जन होते हैं साथ साथ वहाँ पहुंचे, और वहाँ पहुँच करके वो सामान इकट्ठा किया, रसोई बनाई, राज बर्तन ला करके रसोई खींची, सूटी रोटी आदि बना कर सब तैयार कर दिया, फिर कह लो भोजन करो, नींद से उठाकर भोजन करो, दूसरे काम कर दो उठाकर भोजन करो, ऐसे भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं। तो कितनी दिल से बात है, अब रस्ते चलना तो आपका भी हुआ हमारा भी हुआ, परंतु जो सेवा करते हैं वहाँ उनको सब लोग चाहते हैं, सेवा करने वालों को सब चाहते हैं। ये बहना बैठी है ना, इनमें जो सेवा करने वाली है उनको ससुराल में भी चाहते हैं, तिहर में भी चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ पर रहें, और सेवा नहीं करते और खर्चा करते हैं तो उनको चाहते नहीं, घर वाले नहीं चाहते। अरे भाई, माँ होती है सबसे बढ़ करके पालन पोषण करने वाली, वो माँ कह देती है कि बेटा भाई ने अपने घर पहुंचा, बड़ो क्या बड़ा अपने घर ही पहुंचा, उनको ध्यान रखना नहीं चाहते, और काम धंधा करने वाले है। मैंने देखा विधवा बहना घर पर रहती है, उनके ससुराल में कोई काम आया, देवर आता है भौजाई जी को लेने के लिए आये, भाभी जी को ले जाऊंगा, अरे भाई हमारे काम हमारा नहीं दे देंगे, ज्यादा कैसे बोले, हमारे माँ की सेवा है, जैसे माँ से सलाह लेते थे ऐसे भाई से सलाह लेते हैं, भाई तो मन माँ की थोड़े कैसे भेजे इनको, तो भी पिहर वाले भी साथ यही चाहते हैं, भुजाई तो हमारे यहीं पर है, यहाँ ही है, अच्छी बात, सब चाहते हैं, नहीं तो घर में माँ नहीं चाहती, बताओ। जिनके चीज वस्तु लेने का और मांगने का स्वभाव है
वो पिघल जाती है, मालूम हो जाए कि भाई जी आ रहे हैं, तो चीजों को छिपा छिपा कर रखेंगे, क्योंकि दृष्टि पड़ेगी, मांग लेगी तो देंगे तो वस्तु से ली जाएगी, नहीं देंगे तो मन खराब हो जाएगा, जिस वजह से उनकी दृष्टि न पड़े, छिपा कर रखो तो मांगेंगे, ऐसे रखते हैं। और जब अच्छा काम करने वाली उत्साह से प्रेम से काम करने वाली आती है तो सब घर की स्त्रियां राजी हो जाती है, अब भाई आ जाएगा, काम खूब होगा। आप कहीं जा रहे हैं मुसाफरी में और उधर से देखा कई आदमी आ रहे हैं, तो मालूम हुआ कि अपने परिचित है, अपने घर पर आए हैं, तो भी अपने सेवक हो, सेवा कौन करेगा, तो बहनों माताएं कई रहने पर भी उनकी चिंता होती कि सेवा कौन करेगा। और ऐसी कोई बहन आई हुई है अपने ससुराल से यहाँ, वो प्रबंध कर देती है, ठीक तो चलो अपना अपना चलो, भाई है घर पर, बहन है, वो सब प्रबंध कर देगी, ऐसे उसके भरोसे चले जाते हैं, तो कितना भरोसा होता है, कितना सहारा होता है उनके मन में कि बहन है, बात क्या बात, चिंता की कोई बात नहीं है, सब प्रबंध कर देगी, जो ही वो प्रबंध कर देती है सभी, तो चिंता नहीं रहेगी, तो घर वाले निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसे वो कौन भी चाहे मतलब सब चाहेंगे, अगर काम नहीं करे चीज वस्तु मांग इकट्ठी करे, तो बहनों अपना जो घर है वो चलेगा अपने भाग्य से, अपने से नहीं पैदा होगी उसके अनुसार चलेगा, क्या अपने पीहर के घर से घाटा दूर हो जाएगा, अपना काम चलेगा नहीं, वो तो होने वाला है, अरे वो आने वाला आवेगा, मांग करके अपनी बेइज्जती करनी, अपनी फजीती करनी है। साधुओं में देखे कई साधु मांगते ही नहीं, काम धंधा उसको कहते ही नहीं, अपना कर लेते हैं, तो उनका काम धंधा कम नहीं होता है, दूसरों के हृदय में उत्साह होता है कि हम सेवा करें, चीज वस्तु देने में लोगों की रुचि होती है कि महाराज इनको देव, जो मांगता है उसे मांगने पर नहीं देते, अरे मांगते रहते क्या देते, इसमें कमी थोड़ी है, इतना सब मांगता है, दिन भर मांगता है, सबसे मांगता है, अब कमी तो कमी भोगो सब जैसा, और जिस मांगते नहीं शांत संतोष रहते हैं, तो लोग चीज वस्तु देकर अपना भाग्य मानते हैं, कैसे संतों की सेवा में हमारी इतनी वस्तु लग गई, तो वो चीज सफल हो गई, निहाल हो गए, अच्छी बात है, तो अपना स्वभाव सुधारने से उसके लिए दुनिया सुधर जाती है, जहाँ जाओ वहाँ सुधार होता है, ऐसे संत महात्मा जिस गांव में जाते हैं उस गांव में एक उत्साह हो जाता है, गांव के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं कि हमारे यहाँ संत आ गए, अब हमारे यहाँ सत्संग होगा, बड़ा अच्छा होगा, सुधार होगा, और सत्संग करने से घरों में सुधार हो जाता है, ऐसे मैंने सुना है, घरों में लड़ाइयां मिट जाती, आपस में खटपट मिट जाती, व्यक्तियों की आपस में खटपट होती है, सत्संग करे कुछ दिन तो महाराज को मिट जाती, काम तो गिर रहा है वो करना ही है, तो अपने करो उत्साह से, देखो बिगड़ा है तो व्यवहार बिगड़ा है, परमात्मा बिगड़ा नहीं, परमात्मा है जो क्यों है, आत्मस्वरूप भी है जो क्यों है, व्यवहार बिगड़ता है, तो व्यवहार को शुद्ध बनाना है, ये बहुत बड़ा काम है, आप लोग सत्संग सुनते हो, आप लोगों का व्यवहार नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारे, दूसरों को सुनने को नहीं मिलता, श्रवणाया बहुत योन लभ्य, बहुत से आदमियों को तो असली बातें सुनने को नहीं मिलती, सुनने को भी अब करें क्या, वो कैसे करेंगे, सुनने को ही नहीं, तो अपने सुनने को मिलती है, विचार करने को मिलती है, अच्छी अच्छी बातें, तो वो हम काम में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा काम, जिसको सुनने को ही नहीं आई वो काम में रहेंगे कैसे, काम में रहेंगे, तो अपने काम में रहो अच्छी तरह से, किस तरह से सुख होंगे, तो घर में ऐसे एक एक का काम करे, एक एक को आदर दे, एक एक को सुख पहुंचावे, पूजन के भाव से उनको सुख पहुंचावे, तो घर में प्रेम हो जाता है, बड़ा प्रेम होता है, काम धंधा कम हो जाते हैं, कम हो जाता रहा वो आदमी ज्यादा हो जाते हैं,
धनी आदमी घराने पर नौकर रखते हैं, वो नौकर रहने वाले कोई साधु संत है, वेदिग्रस्त है, उनके भी स्त्री बाल बच्चे सब घर है, तो भी अपने घर का भी काम कर रहे और आपके घर का काम करके आपसे पैसे भी ले ले, चीज वस्तु दे ले, काम कर रहे आपका, और आप इसमें क्या कहें, प्रमोद हो गए, अपने घर का काम नहीं कर सकते, नौकर रखो हमारे काम करेगा नौकर, अरे नौकर रहते वो साधु सन्यासी है क्या, वो भी तो गृहस्थ है, वो दो घर का काम करे, आप अपने घर का काम ही नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता धनी हो आप नौकर मत रखो, मैं नौकर की जीविका चले उनका भला हो, इस भाव से नौकर रखो, काम धंधे की कोई जरूरत नहीं है, काम धंधे हम करेंगे बैठा जा कर हम काम करेंगे, परंतु उनकी पैदा हो जाए ग्रस्त है उनका निर्वाह हो जाए, इस वास्ते उनको भी नौकरी में रख दिया, अगर ऐसा भाव हो तो कितनी बढ़िया बात हो, तो ये व्यवहार बिगड़ा है, इनको शुद्ध करो। देखो मैं मेरी का त्याग होता है, निर्ममो निरहंकार शांति छुट्टी, तो निर्ममो निरहंकार कैसे हो, व्यवहार में अपनी चीजें औरों को काम करने के लिए वो काम में आ जाए, दूसरा ले ले किससे से काम में ले ले, ऐसे मेरा पन दूर होगा, और स्वयं खर्च करके काम करोगे तो अपना अभिमान दूर होगा, मैं पन कम हो जाएगा, मैं मेरा त्याग बड़ी ऊंचे दर्जे की त्याग होगा, व्यवहार में केवल काम करना स्वयं करे और अपनी चीज बिल्कुल ऐसी लगे सब काम में लो, ऐसा करे तो मैं मेरा का त्याग हो जाएगा, बहुत बड़ा त्याग व्यवहार में हो जाता है, तो व्यवहार में परमार्थ की सिद्धि हो जाए, गीता ने ये विद्या बताई है, व्यवहार में परमार्थ, तो व्यवहार करते साधारण घर गृहस्थी का, उसमें भी भावना ये है पूजन की, सेवा की, सबको सुख पहुंचाने आराम पहुंचाने, इससे भी बढ़कर ये भाव होगा सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, तत्व की हो जाए, ये ज्ञानी हो जाए, ऐसा भाव रख कर उनकी सेवा करे, कि हम तो इतनी योग्यता नहीं रखते क्या करें, कि जहाँ सत्संग हो वहाँ ले जाओ, चलो आप सत्संग हो चलो ऐसे ले जाओ, तो वो सत्संग में लग जाते हैं। कलकत्ते में एक मुनि आते थे, वो कहते हैं कि मेरे मालिक कई बार का तू सत्संग में जाओ, मैं देखता हूँ काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम अटक जाएगा, काम थोड़ा होगा सत्संग में समय लगेगा, तो वो तो कहते सत्संग जाओ, मैं वो तो खाना खानी करता, अब कई बार कहते मैं अपने पूछा हो गई चलो सत्संग में चलो, सत्संग में आने लगे सत्संग में हो रुचि, अब सत्संग में आप से आप जाने लगे कि सत्संग में थोड़ा आनंद होता है, बड़ी शिक्षा मिलती है, हमारा जीवन सुधरता है, हमारा व्यवहार सुधरता है, हमारा मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, ऐसे का अभिमान स्वार्थ ये मिटते हैं, फायदे की बात है, तो सत्संग में लग गए। मेरे सज्जन मेरे उन्होंने कहा ऐसा मालिक कहते थे, फिर ज्यादा कहते चलो भाई राजी के लिए यूं कहा है, परंतु हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ, तो सत्संग में रुचि हो गई, लग गए वो, इस तरह से दूसरों को कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, अपने आप हो तो अपने आप करो, उनको बातें बताओ, और नहीं तो जहाँ सत्संग होता हो वहाँ ले जाओ, अपने दवाई करो उनको ठीक करो, और दवाई न दे सके तो जहाँ दवाई बंटती हो, बड़े बड़े औषधालय है जहाँ पर बहुत दवाई देते वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ कहो भाई हमारे ये भाई है इसको कुछ दवाई दो औषध दो, कैसे चलाओ, ऐसे सत्संग होती है वहाँ, ये बड़ा धर्मार्थ औषधालय है, दवा खाना है, इसमें दवाइयाँ होती है, अलग अलग आदमियों को अलग अलग दी जाए तो वो अलग अलग कैसे करे, वो वर्णन होता है, उस वर्णन में किस समय में किसके लिए बढ़िया चीज होती है इसको हम अटकल नहीं लगाते, तो वे आप साहब समझ लेते हैं कि आज हमारे लिए बात कही है, अगर वो अपना स्वभाव सुधार लेता है तो उसे दवाई हो गई, ये आलस है प्रमाद है
तामसी वृत्ति है, इसको दूर करके और ये अपनो ठीक सात्विक साथ जीवन बिताते सात्विक साथ, ऐसे आप काम करो, उत्साह से काम करो, तो देखो आपकी महिमा हमारी भी महिमा, आपका स्वभाव सुधर जाएगा तो लोग कहेंगे स्वामी जी का सत्संग अच्छा है, हमारे तो घर की बहनों माताएं हमारे घर की बहुओं बेटियां सब सुधर गई, इनका स्वभाव शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो वो प्रचार होता है। और गीता का प्रचार करने वाला भगवान को जितना प्यारा होता है इतना कोई नहीं, सर्व गुण तब हम कह करके, और जो प्रचार करता है वो भगवान का भी मेरे को बहुत प्यारा है, मेरे भक्तों में इन बातों को ग्रहण करता है। तो प्रचार केवल कहने से इतना नहीं होता है, जितना स्वयं खट करके परिश्रम करो सुख पहुंचाओ, उससे लोगों को ये लगती है बात तो ये है, अपने भी सुख पहुंचाओ, अपने भी हित करो, दूसरों की सेवा करो, पूजन भाव से करो, ऐसे सेवा करेंगे तो उनका आचरण सुधरेगा, सुनने से चीजों पर सुन जाएंगे तो ममता मिटेगी, और खट करके शरीर से काम करो तो अहंता मिटेगी, निर्मम और निरहंकार ऊंचे से ऊंची स्थिति घर में रहते हो जाएगी, भाव बदलते लखपति करोड़पति हो जाए, ऐसे अपना भाव बदलने पर अपने भाई बहन चाहे न सुधार करे परंतु हम अपना सुधार कर लेंगे, उस सुधार से दूसरे भी सुधरेंगे, अच्छे आचरण का अच्छा असर पड़ता है तो दूसरे भी सुधरते हैं, ये देखो इनका कैसा अच्छा व्यवहार है, अच्छा भाव है, तो अपने भी अब ऐसे ही करना है, ठीक तरह से करना है। ऋषिकेश की बात है स्वर्ग आश्रम की, तो एक दिन शेष जी ने बातें सुनाई थी, ऐसे सेवा करो, सेवा करो तो उसमें बताई कि अपने घर में कोई चीज लाई जाए तो अपने भाई के लिए अपने कुटुंबियों के लिए पड़ोसियों के लिए लाओ तो बढ़िया चीज उनको दो और उनकी सेवा करो, साधारण चीज अपने लेकर अपना निर्वाह करो, ऐसा विवेचन किया था तो वहां से उठे तो एक भाई मिले, वो कहने लगे दो घर हमारे भाइयों के, उन दोनों घरों में चीज वस्तु लाना मेरा काम है, मैं लाया करता हूँ। ऐसी बात की वह याद आ गई, हमें बात कही कि आलू लाता हूँ दोनों घरों के लिए, तो बरोबर सोचता हूँ बड़े बड़े मेरे तो छोटे छोटे अब छोटे कौन साल नहीं बनता, साल छोटे बन जाए बड़े ही बन जाए, ऐसे करता हूँ अब आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज से बरोबर दूंगा। व्याख्यान सुनते ही उठे तो उस समय उसने यही बात कही, मेरे ऐसे स्वभाव था बड़े बड़े चीज अपने घर में कचेंगे भाई के घर में ऐसे पहुंचा देगा, अब ऐसा नहीं करूँगा आज से ही सुन लिया। बोलो कितना सुधार हुआ और कितना गांवों का सुधार होगा, कितना लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा कि स्वार्थ का त्याग कर लोग इस्तेमाल करता है, ऐसी बात है तो ऐसा भाव बड़ा अच्छा हो जाए सुधार का, दूसरे का समझे चाहे न समझे, वो न समझे तो न समझे भले मत समझो, नहीं समझे तो हमारी सेवा तो होगी, हमारे तो बढ़िया काम हो ही गया, कैसी बढ़िया बात। तो ये आसन में रहने से उसका बड़ा असर पड़ता है लोगों का, तो हमारा और लोगों का अभी वर्तमान में और भविष्य में सुधार होगा, तो ऐसे सत्संग के द्वारा ऐसे अपने सुधार कर दे स्वभाव का, ये स्वभाव ही सुधर जाए फिर वो कहीं जावे वहां जाएगा वहां सुख पाएगा, जो सुधार का स्वभाव है, स्वभाव को देख रहे उसकी कीमत और क्या है, हाथ मानसो बरूबर ही है, जिनका उपकार करने का स्वभाव है, दूसरों का हित करने का स्वभाव है, वे संत महात्मा हो जाते हैं, दुनिया का कल्याण करने वाले, उनके दर्शन से स्पर्श से भाषण से दूसरों का हित होता है, उनकी क्रिया देख देख करके दूसरों का कल्याण होता है, तो ऐसे अपने कोई से निर्मल हम बने और उनको भी बनावे तो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। तो भाइयों बहनों अपना ऐसा जीवन बनाओ जिसमें सबका हित हो सबका कल्याण हो, तो अपने काम धंधा करो पूजा की दृष्टि से,
जो मेरे सेवा जी से करो मेरे काम धंधा तो करो ही, ऐसे उत्साह काम किया जा। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ।